8 साल पुराने दुष्कर्म के एक मामले में SC/ST एक्ट के तहत रीवा के विशेष न्यायाधीश CM उपाध्याय की अदालत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्म के आरोपी को SC/ST कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना सुनाया विशेष सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट रीवा की अदालत। न्यायाधीश CM उपाध्याय ने 28 सितंबर 15 के एक मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। पूरे मामले को लेकर हमने वकील राकेश निगम से बात की, जिन्होंने महिला की तरफ से पैरवी की और आरोपी को सजा दिलाने की कार्रवाई कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। पूरी जानकारी किस तरीके से है हम राकेश निगम के मुंह से ही सुनते हैं। पूरा मामला क्या था, किस तरीके से उन्होंने पैरवी की, किस तरीके से सजा दिलाई, आज की सजा पाई है, क्या है, कैसे का मामला है। घटना 24/2/2015 समय 12 बजे की है। ये विजय मिश्रा ठेकेदार के यहाँ मजदूरी का वितरण करने का काम के डी उर्फ कृष्णदेव दुबे करता था। 24/2/15 को अभियोक्त्री वहाँ काम कर रही थी। केडी उर्फ कृष्णदेव दुबे ने उससे कहा कि तुम्हारे बहन का लड़का खत्म हो गया है, इसलिए तुम छुट्टी ले लो और चलो तुमको मैं पहुँचा देता हूँ। तो घटनास्थल से वो क्या कहते हैं, जहाँ मजदूरी कर रही थी वहाँ से जब चला तो उसके बहन का घर था गुरमुदा, और गुरमुदा पहुँचने पर वो उसको उसने कहा कि रोक दो, हम अपने बहन के घर चले जाए, तो उसने नहीं रोका। इसके बाद वो उसको ले गया नदी के किनारे, जहाँ पर उसको जबरदस्ती 4 चक्के वाहन से उतारा और उसके साथ बलात्कार किया। वहीं पर उसका एक मकान था, वहां ले जाते उसने रखा, रात को फिर उसके साथ बलात्कार किया और एक दिन तक उसको कमरे में बंद करके रखा। 25/2/15 को शाम को जब उसे कमरे से खोला तो अभियोक्त्री आई अपने घर, अपने मामा ससुर और अन्य लोगों से बताई और 26/2/2015 को थाना करैला में जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज की। उसके रिपोर्ट पर 9/2/2015 का अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें 365, 323, 376, 312, 325 का भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 312 और 325 SC/ST एक्ट के मुकदमे पंजीबद्ध किए गए। माननीय न्यायालय के सामने 31/8/2015 को जब चालान प्रस्तुत हुआ, जिस पर माननीय न्यायालय ने सभी साक्षियों के बयान लेने के बाद और ये प्रकरण अभियोक्त्री की साक्ष्य पर और जो साक्षी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान CM उपाध्याय साहब ने 365 में 3 वर्ष की सजा 100 रुपए जुर्माना, 323 में 1 वर्ष की सजा 100 रुपए जुर्माना और 312 में 6 माह की सजा और 100 रुपए जुर्माना। अभियुक्त को यह मालूम था कि अभियुक्त्री SC/ST की है और उसके साथ उसने अपराध किया, इसलिए माननीय न्यायालय ने 325 हरियाणा एक्ट की धारा जिसमें मिनिमम सजा आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। जी हाँ, नाम राकेश कुमार निगम, विशेष लोक अभियोजक SC/ST।